नमस्कार दोस्तों, देखिए साथियों, साइकोलॉजी की अपनी यूनिट 5वीं जारी है और साथियों इसमें ये टॉपिक आपके दे रखा है ब्लूम का वर्गीकरण यानी ब्लूम्स टेक्सोनोमी। ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों, इसलिए पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा और हो सके तो इसको लाइक भी कीजिएगा। देखते हैं ब्लूम का वर्गीकरण। बी एस ब्लूम ने अपनी पुस्तक साथियों शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण के अंतर्गत शैक्षिक उद्देश्य को 3 भागों में बांटा तथा ब्लूम 1956 के बाद आर एफ मैगर, डी आर क्रेथवाल ने भी इस क्षेत्र में कार्य किया। देखिए शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण जो पुस्तक है उसमें शैक्षिक उद्देश्य का को 3 भागों में किसने बांटा? ब्लूम साहब ने बांटा। कब? 1956 में। और साथियों इसके बाद में इसी क्षेत्र में काम किया आपके आर एफ मैगर हैं, डी आर क्रेथवाल हैं, लेकिन साथियों ब्लूम का वर्गीकरण इनमें से सर्वोत्तम माना जाता है। अब वो 3 भागों में बांटा है, वो देखिए कौन कौन से हैं। शैक्षिक उद्देश्य और इसके 3 पार्ट। संज्ञानात्मक ब्लूम है, ब्लूम ने 1956 में इसको समझाया अच्छे से। और भावनात्मक पक्ष से ये दिया आपके क्रोथवाल व मसिया ने, क्रोथवाल व मसिया 1964 में, इसके 8 साल बाद में। और फिर 5 साल बाद में यह आया मन चलिया चालिया या क्रियात्मक पक्ष सिम्पसन के द्वारा 1969 में। तो ये इतना मैटर आप अपनी मेमोरी में फीड कीजिएगा। शैक्षिक उद्देश्य 3 प्रकार इसके, संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। संज्ञान ज्ञान को बताया ब्लूम ने, भावात्मक क्रोथवाल व मसिया ने, सिम्पसन ने बताया क्रियात्मक पक्ष को। अब देखते हैं इनके थोड़ा थोड़ा विस्तृत वर्णन है। सबसे पहले बात करेंगे संज्ञानात्मक पक्ष की। इस क्षेत्र में साथियों बौद्धिक पक्ष आता है, यानी आपने अपने जो दिमाग है उसका इस्तेमाल इसमें किया जाता है संज्ञानात्मक पक्ष में, जिसका महत्व अधिक माना जाता है। और इस क्षेत्र में समाहित क्रियाओं को 6 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले आपका ज्ञान यानी नॉलेज, यह संज्ञानात्मक क्षेत्र की सबसे छोटी इकाई है। स्मृति भ्रामक मनोवैज्ञानिक क्रिया पर आधारित है। स्मृति यानी याददाश्त भ्रामक मनोवैज्ञानिक है, जो भ्रमित करती हो, इस प्रकार की क्रियाओं पर आधारित है। इसमें सूचनाओं, तथ्यों तथा आंकड़ों का प्रत्यास्मरण, प्रत्याभिगमान, परिभाषीकरण, स्मरण करना सम्मिलित है। जो भी सूचनाएं हैं, तथ्य हैं, आंकड़े हैं, उनको याद करना, उनको अपने ज्ञान में शामिल करना और परिभाषीकरण, उनको परिभाषित करना, स्मरण करना, याददाश्त, याद में रखना। तो यही क्या है आपका ज्ञान, यानी छात्र मौलिक अधिकारों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, छात्र संविधान का अर्थ स्पष्ट कर सकेंगे। किनके द्वारा? इस ज्ञान के द्वारा। ज्ञान के द्वारा क्या है, जो भी आंकड़े तथ्य आपके सामने आते हैं उनको आप याद कर सकेंगे अच्छे से, उनको अच्छे से स्पष्ट कर पाएंगे ज्ञान के माध्यम से। इसी इसीलिए इसको सम्मिलित किया है संज्ञानात्मक पक्ष में। और सबसे छोटी इकाई है। इसके बाद में है साथियों अवबोध, बोध यानी अंडरस्टैंड। ज्ञान प्राप्त उद्देश्य की प्राप्ति के बाद अवबोधात्मक उद्देश्य की प्राप्ति होती है। छात्रों में अवबोध स्तर का विकास तब होता है जब वह किसी तथ्य से संबंधित ज्ञानात्मक प्राप्य उद्देश्य प्राप्त कर चुके हैं। समझिएगा साथियों, छात्रों में अवबोध स्तर का विकास कब होता है? जब किसी तथ्य को किसी तथ्य से संबंधित ज्ञानात्मक प्राप्य उद्देश्य, वह उद्देश्य जिसको आप प्राप्त करना चाहते हैं प्राप्त कर चुके हों, प्राप्य उद्देश्य को आप प्राप्त कर चुके हैं, तो उस समय आपके अवबोध स्तर का विकास होता है। इस उद्देश्य के अंतर्गत साथियों परिभाषा देना है, अनुवाद करना, प्रतिपादन करना, वर्गीकरण करना, उदाहरण देना और एक दूसरे की तुलना करना, ये सारी क्रियाएं इसमें सम्मिलित हैं। किसमें? अवबोध और बोध में। जैसे साथियों इसका एक उदाहरण दे रखा है, छात्र नागरिकों के मूल अधिकारों और कर्तव्यों की तुलना कर सकेंगे। अब है ज्ञानोपयोग।
एप्लीकेशन। यह स्मरण की गई व समझी गई विषय वस्तु को नवीन परिस्थितियों में प्रयुक्त करने की योग्यता है। इससे छात्रों में आलोचनात्मक एवं तार्किक चिंतन की योग्यता का विकास होता है। इसमें छात्र में प्रयोग करना है, प्रदर्शन करना, जांच करना, पूर्व कथन देने की योग्यता का विकास होता है। यानी किस प्रकार से वह अपने ज्ञान का उपयोग इसमें करता है छात्र, वही सब क्या है ज्ञानोपयोग के अंतर्गत आता है। जैसे प्रयोग करना है, प्रदर्शन करना, जांच करना, पूर्व कथन देने की योग्यता का विकास। तो इसमें साथियों जैसे छात्र नागरिकों के अधिकारों संबंधी एवं संवैधानिक संशोधनों की समीक्षा कर सकेगा। चौथा देखिए, इसमें दे रखा है छह है टोटली विश्लेषण और एक है आपका संश्लेषण। यह विषय वस्तु को विभिन्न अंगों में विभक्त करके, यानी जो विषय वस्तु है आपकी उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके उसमें निहित संरचना को समझने की योग्यता है। विषय वस्तु को पहले टुकड़ों में बांट लिया तो वही क्या विश्लेषण। और संश्लेषण का मतलब है साथियों जोड़ना, जो बिखरे हुए हैं उनको एक जगह एकत्रित करके समझना। छात्रों में सामाजिक अध्ययन से व्यवहारिक कौशल उत्पन्न होते हैं। इसके अंतर्गत छात्रों में गणना करना, मानचित्र पढ़ना, चार्ट बनाना, मॉडल बनाना आदि क्षमताओं का विकास होता है इस ज्ञान के द्वारा। संश्लेषण में साथियों प्राप्य उद्देश्य की प्राप्ति से छात्र का सामाजिक अध्ययन विषय के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होता है और वह इस विषय के महत्व को समझ पाता है। छठा आपका है मूल्यांकन। यह विषय वस्तु के महत्व का आंकलन करने की योग्यता है और इसमें अधोलिखित क्रियाओं को रखा गया है, जैसे आंतरिक प्रमाण के रूप में आंकलन, बाह्य प्रमाण के रूप में आंकलन। साथियों कोई भी जब आप क्रियाकलाप करते हैं तो लास्ट में क्या करते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं। तो वही मूल्यांकन है यह विषय वस्तु के महत्व का, कि क्या इसका महत्व है, आंकलन करने की योग्यता। अब है भी संज्ञानात्मक के बाद में है भावात्मक पक्ष। ब्लूम द्वारा वर्गीकृत भावात्मक पक्ष के अंतर्गत सम्मिलित उद्देश्यों को निम्नलिखित स्थूल वर्गों में विभक्त किया गया है। स्थूल का मतलब होता है बड़ा, स्वीकार करना या प्राप्ति अथवा ग्रहण करना पहला यह है। भावात्मक क्षेत्र का प्रारंभिक या निम्नतम स्तर है, इसमें सीखने वाले उद्दीपक के प्रति संवेदनशीलता प्रदर्शित करता है। जो भी विषय वस्तु है साथियों उसको ग्रहण करना, कैसे उसकी प्राप्ति होगी, कैसे उसको स्वीकार करेंगे, तो यह भावनाओं से जुड़े हुए हैं। और अनुक्रिया रिस्पॉन्डिंग, यानी इसके अंतर्गत अधिक उत्प्रेरणा तथा अवधान में अधिक नियमितता की अपेक्षा की जाती है। व्यवहारिकता की दृष्टि से इसे अभिरुचि भी कहा जा सकता है। तो ये पॉइंटों को क्रम से आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। भावनात्मक पक्ष है, इसमें पहला स्वीकार करना है, उसके बाद में अनुक्रिया करेंगे और फिर क्रियाएं कब होंगी साथियों, जब आपकी किसी कार्य में क्या होगी रुचि होगी तभी आप उसमें क्रिया कर पाएंगे। फिर मूल्य निर्धारण या अनुमूल्यन, ये पूछा गया है अनुमूल्यन, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसमें। इसके अंतर्गत साथियों व्यवहार की उत्प्रेरणा आती है जो व्यक्ति की किसी मूल्य के प्रति प्रतिबद्धता पर आधारित होती है और इसे अभिवर्ती कहा जा सकता है। मूल्य के प्रति प्रतिबद्धता, यही आपका क्या है अनुमूल्यन, मूल्य निर्धारण। पिछली बार आया था ये 2022 में शब्द। चौथा है संगठन या व्यवस्था। व्यक्ति का व्यवहार सामान्यतः किसी एकाकी अभिवर्ती से उत्प्रेरित न होकर अभिवर्ती समूह से होता है और ऐसे समूह के संगठित रूप को व्याख्या कहते हैं। व्यक्ति का व्यवहार साथियों सामान्यतः एकाकी अभिवर्ती से उत्प्रेरित न होकर के अभिवर्ती समूह से होता है, तो यही क्या है संगठन या व्यवस्था, एक अकेला न होकर के बहुत सारे, तो वह क्या आपका संगठन या व्यवस्था। और पांचवा पॉइंट है इसमें मूल्य का लक्षण वर्णन। मूल्यों को निरंतर आत्मसात करने से कार्य प्रभावित होते हैं। जब व्यक्ति इस प्रक्रिया से एक ऐसे स्तर पर पहुंच जाता है जो जीवन दर्शन कहलाने लगते हैं।
मूल्यों को, विषय वस्तु को निरंतर आत्मसात करने से, यानी उसके प्रति निरंतर जानकारी प्राप्त करने से आपके जो कार्य हैं वो प्रभावित होते हैं। जब व्यक्ति इस प्रक्रिया से एक ऐसे स्तर पर पहुंच जाता है, उच्च स्तर पर, तो उसी को क्या कहते हैं, जीवन दर्शन। सी है साथियों मनोक्रियात्मक पक्ष से, इसके भी देखिए अलग अलग श्रेणियों में इसको बांटा गया है। तीसरा है ये उद्दीपक है। ये सारे शब्द हैं, आपको पहले भी बताया था, उद्दीपक। व्यक्ति किसी भी कार्य को होते देखे स्वयं करना प्रारंभ करता है। व्यक्ति किसी भी कार्य को होते देख स्वयं करना प्रारंभ करता है, वह उद्दीपक है। तो ये ब्लूम साहब ने ऐसा कहा है। परिचालन या कार्यवाही, इस कार्य में साथियों शुद्धता लाने के लिए निर्देशों का पालन करता है, वह क्या है, परिचालन या कार्यवाही। शुद्धता, नियंत्रण यानी कंट्रोल, धीरे धीरे नियंत्रण द्वारा कार्य को शुद्ध सही करना प्रारंभ करता है। तो उसमें शुद्धता देखने को मिलती है, कंट्रोल देखने को मिलता है, कब, धीरे धीरे। संयोजन या समायोजन, वह क्रमबद्ध रूप से कार्य करते हुए कार्य में सामंजस्य बैठाता है। तो ये संयोजन समायोजन है। स्वाभाविकरण, नेचुरलाइजेशन, धीरे धीरे वह कार्य व्यक्ति का स्वभाव बन जाता है, वह आदत या कौशल के रूप में दर्शाया जाता है। इसी को कहते हैं स्वाभाविकरण, आदत निर्माण, हैबिट फॉर्मेशन। यह क्रियात्मक पक्ष का सबसे उच्चतम स्तर है। और उप तीनों पक्ष संज्ञानात्मक, भावात्मक एवं मनोक्रियात्मक पक्षों को पृथक पृथक नहीं किया जा सकता है। ये तीनों पक्ष अंशतः यानी थोड़े थोड़े कुछ इनके भाग निम्न प्रकार एक दूसरे पर निर्भर हैं। इस प्रकार से देख सकते हैं आप, ये संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोक्रियात्मक, यानी एक दूसरे से ये जुड़े हुए हैं साथियों। इस प्रकार से अब देखिए शिक्षण के सिद्धांत एवं शिक्षण सूत्र। शिक्षण का मुख्य उद्देश्य छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाना है, जिससे वे अधिकाधिक समाज उपयोगी बन सकें। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हमें शिक्षण को सफले बनाना आवश्यक है, यानी सफल बनाना। सफल शिक्षण कुछ मूलभूत या सामान्य सिद्धांतों या शिक्षण सूत्रों पर आधारित है, अतः प्रत्येक शिक्षण के लिए इनकी जानकारी अनिवार्य है। शिक्षक को शिक्षण करते समय निम्नांकित सिद्धांतों को प्रमुख रूप से ध्यान में रखना चाहिए। जब शिक्षण करवाया जाता है शिक्षक के द्वारा, तो किन बातों को ध्यान में रखना है वो देखिए शिक्षण का यहाँ पर दे रखा है। शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाना। और वह जब उद्देश्य की प्राप्ति करता है तो शिक्षण को क्या है, सफल बनाना आवश्यक है। अब देखिए आगे प्रमुख शिक्षण सिद्धांत, टीचिंग प्रिंसिपल्स, जीवन से संबंध स्थापित करने का सिद्धांत। इस सिद्धांत का अर्थ है कि साथियों विषय वस्तु का छात्रों के वास्तविक जीवन से संबंध स्थापित किया जाए। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि छात्रों के सामाजिक, भौतिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि पर्यावरणों का उपयोगी किया जाए, वास्तविक जीवन से जोड़ा जाए साथियों विषय वस्तु को छात्रों के। यह है जीवन से संबंध स्थापित करने का सिद्धांत। समाज की हो, चाहे भौतिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि पर्यावरणों का उपयोग किया जाए। विषय वस्तु का संबंध वास्तविक जीवन से जोड़ना इसलिए आवश्यक है साथियों, क्योंकि जीवन से संबंध स्थापित किए बिना मानवीय संबंधों को समझना कठिन है। और इसमें दूसरा है आपका रुचि का सिद्धांत। शिक्षण को सफल एवं प्रभावशाली बनाने के लिए यह आवश्यक है कि विषय वस्तु में छात्रों की रुचि उत्पन्न की जाए। जब छात्रों की रुचि उसमें उत्पन्न हो जाएगी, तब वह तल्लीन होकर यानी अच्छे से रम के उसमें उसका सरलता से ज्ञान प्राप्त कर लेगा। बालक की जिस कार्य में रुचि होती है उसे वह ध्यान से करता है और उसको पूर्ण करने में अपनी सारी शक्तियों को लगा देता है। अतः शिक्षण को उपयोगी एवं प्रभावशाली बनाने के लिए शिक्षक को विषय वस्तु में छात्रों की रुचि जागृत करने के लिए विभिन्न साधनों का उपयोग करना चाहिए। तो यह है आपका रुचि का सिद्धांत। बहुत ही आसान है, कैसे भी करके जो शिक्षण करवाया जा रहा है शिक्षक के द्वारा, उसमें छात्रों के लिए रुचि उत्पन्न की जाए, तभी वह अच्छे से उसको पढ़ेगा, ज्ञान प्राप्त कर सकेगा। आगे दे रखा आपका तीसरा प्रेरणा का सिद्धांत। प्रेरणा साथियों व्यक्ति की वह आंतरिक शक्ति है जो उसे क्रियाशीलता उत्पन्न करती है।
एक्टिव बनाने में, आगे बढ़ाने में, जो लक्ष्य की प्राप्ति तक चलती रहती है। प्रेरित हो जाने पर बालक स्वयं क्रियाशील हो जाता है, जिससे वह अपने कार्य में रुचि लेने लगता है। परिमाणतः उसके सीखने की प्रक्रिया सरल एवं तीव्र हो जाती है, आसानी से, सरल तरीके से और तीव्र गति भी। सामान्य अध्ययन के शिक्षण को नवीन ज्ञान को प्रस्तुत करने से पूर्व छात्रों को उसे सीखने के लिए प्रेरित करना अनिवार्य है। वह उनको प्रेरित करने के लिए आवश्यकता अनुसार विभिन्न साधनों का प्रयोग करता है। यानी जब भी किसी छात्र को साथियों अभी प्रेरित किया जाता है, प्रेरणा उसको दी जाती है, कुछ तो देखिए आंतरिक शक्तियाँ होती ही होती हैं प्रत्येक मनुष्य में, प्रत्येक बालक में। उनके कारण वह एक्टिव रहता है, कार्य को करने के प्रति उत्तेजना रहती है। लेकिन कुछ बाहर से भी उसको प्रेरित किया जा सकता है, तो उससे कार्य में सरलता आती है, तीव्रता से वह करता है। तो यही क्या है, प्रेरणा का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत। देखिए छोटे छोटे हैं बहुत ही, बालक स्वभाव से क्रियाशील होते हैं, वे हर समय कुछ न कुछ करते रहते हैं, अतः उसे करके सीखने का अवसर देना चाहिए। इंपॉर्टेंट है साथियों, करके सीखने का अवसर देना चाहिए। शिक्षक को इस मूलभूत एवं मनोवैज्ञानिक आधार की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। इस सिद्धांत के महत्व को राय ब्रन ने साथियों इन शब्दों में व्यक्त किया है कि छात्र की क्रियाशीलता का सिद्धांत संपूर्ण शिक्षण में सर्वप्रथम महत्व रखता है। छात्र की क्रियाशीलता का सिद्धांत संपूर्ण शिक्षण में सर्वप्रथम क्या रखता है, महत्व रखता है। अब छात्र मान लीजिए साथियों एक्टिव ही नहीं है, बिल्कुल कुछ कर ही नहीं रहा है, तो वह क्या सीखेगा फिर? तो क्रियाशीलता का सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें विद्यार्थी या बालक कुछ ना कुछ हमेशा करता रहता है, तो इसलिए क्रियाशीलता होनी बहुत ही जरूरी है। आगे है चयन का सिद्धांत। देखिए इस सिद्धांत का अर्थ है कि ज्ञान अति विस्तृत है, फैला हुआ हर जगह, हर क्षेत्र में, और छात्रों की योग्यता, रुचि एवं आवश्यकता के अनुसार उसमें केवल उपयोगी एवं लाभप्रद बातों का ही चयन करना चाहिए। चयन का सिद्धांत सार, केवल उपयोगी एवं लाभप्रद बातों का ही चयन करना चाहिए। छात्रों की योग्यता है, उसकी रुचि है, उनको क्या क्या आवश्यकता है उसी के अनुसार। तो यह है चयन का सिद्धांत। अब देखें नियोजन का सिद्धांत। अति विस्तृत ज्ञान से चुनी हुई प्रमुख बातों को छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करने से पूर्व उनको नियोजित करना अनिवार्य है, क्योंकि नियोजन का सिद्धांत का मतलब है साथियों एक योजना बना करके क्रमबद्ध रूप से उसको अच्छे से विद्यार्थियों के सामने पेश करना, तो यह नियोजन का सिद्धांत है। नियोजन अपव्यय को रोकता है, यानी जो फालतू की चीजें हैं उनमें दिमाग के खर्चे नहीं हो पाता है, तो नियोजन तरीके से अगर किसी कार्य को किया जाए तो यह शिक्षक को व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध होने में सहायता देता है। अतः किसी भी पाठ को पढ़ाने से पूर्व सामाजिक अध्ययन के शिक्षकों को यह निश्चित कर लेना चाहिए कि उसमें क्या पढ़ाना है और किस विधि को अपनाना है, वह किस सहायक सामग्री का उपयोग करना है। तो यह है नियोजन का सिद्धांत, पहले से उसके बारे में जानकारी होना। विभाजन का सिद्धांत, विषय वस्तु को सुगम बनाने के लिए उसका प्रस्तुतिकरण कर्मिक सोपानों या पदों में करना, यही क्या है विभाजन। कोई भी विषय वस्तु है उसको सरल बनाने के लिए साथियों उसका प्रस्तुतिकरण अच्छे से हो, इसके लिए जो आपके पाठ हैं, टॉपिक हैं, उनको पदों में कन्वर्ट करके, विभाजन करके बताना, यह है विभाजन का सिद्धांत। लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत, शिक्षक को शिक्षण के प्रभावी बनाने के लिए कक्षा में लोकतंत्रीय व्यवहार करना चाहिए, छात्र केंद्रित वातावरण इसके लिए बनाना चाहिए। नोवा आवृत्ति का सिद्धांत है साथियों, आवृत्ति ज्ञान को स्थायी बनाने के लिए सीखे गए ज्ञान को समय अनुसार दोहराना चाहिए, जो भी ज्ञान आपने प्राप्त किया है उसको समय समय पर दोहराना चाहिए, नहीं तो बालकों की स्मृति चिन्ह समय के अनुसार धुंधले हो जाएंगे। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ साथियों, आप रिवाइज कीजिएगा तभी याद रह पाएगा। तो यही है, दोहरान के अभाव में बालक सीखा गया ज्ञान भुला देंगे। बोलना नहीं है तो आपकी आवृत्ति होनी चाहिए, यानी आप में दोहराव देखा जाना चाहिए।
तो ये है आवर्ती का सिद्धांत। निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत देखिए साथियों, प्रत्येक पाठ का एक निश्चित उद्देश्य होता है। राय बरन कहते हैं कि हमें प्रत्येक पाठ के उद्देश्य का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि उसका प्रत्येक भाग एवं उसमें हम और हमारे छात्र जो कुछ कार्य करते हैं उस उद्देश्य पर ही निर्भर करता है। तो यह है निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। 11वां है व्यक्ति के विभिन्नताओं का सिद्धांत। सभी बालक बुद्धि, योग्यता, क्षमता और अभिरुचि में समान नहीं होते हैं। बुद्धि एक सी नहीं होती है, ना ही उनकी योग्यताएं, ना ही उनमें कैपेसिटी और ना ही उनकी रुचियां। कभी कोई कहता है कि मेरा तो अभी पढ़ने का मन नहीं है, मेरा खेलने का मन है। दो विद्यार्थी इस प्रकार के हैं, वो कहते हैं सर अभी मेरा हिंदी पढ़ने का मूड है, हिंदी अच्छे से समझ में आएगी। कोई कहता है मैं साइंस पढ़ने में अभी रुचि दिखा रहा हूँ। तो इसलिए साथियों सभी की रुचियाँ अलग हैं। कैपेसिटी, कोई विद्यार्थी कहता है सर ये पूरा चैप्टर पढ़ा दीजिए अभी, और कुछ विद्यार्थी ऊब जाते हैं कि नहीं सर बस ये आज इतना सा पार्ट करवा दीजिए। तो इस प्रकार से व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं वो देखने को मिलती हैं सभी विद्यार्थियों में, शिक्षकों में। तो इसी को कहते हैं व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत। पूर्व ज्ञान का सिद्धांत देखिए साथियों, बालक के नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़कर शिक्षण कराने से शिक्षण में नवीनता, प्रभावशीलता, क्रमबद्धता का विकास होता है। जैसे कोई विद्यार्थी कैसे सीख लिया साथियों, अब डायरेक्ट तो ये है नहीं कि आपने उसको आ सिखा दिया या का सिखा दिया। पहले क्या है, उसको कैसे शुरुआत करेंगे साथियों, उसके बाद में इनमें जाएंगे आप। अब सीधा ही जैसे साथियों किसी को ये याद ही नहीं है और आपको आप सीधे उसको ये पढ़ने पर मजबूर कर रहे हैं, तो ये कैसे संभव होगा। यानी पहले उसका पूर्व ज्ञान देखना चाहिए कि उसको क्या पता है, क्या क्या नहीं आता है। जोड़ आपने सिखाया ही नहीं और सीधे कह रहे हैं कि ये भाग करो, बोर्ड पर बता दिया आपने और भाग करवा रहे हैं, तो ये उचित नहीं है साथियों। इसे ही कहते हैं पूर्व ज्ञान का सिद्धांत। बच्चे की पहले देखें कि पूर्व ज्ञान कैसा है और उसके आधार पर फिर शिक्षण करवाया जाए। छात्र केंद्रित शिक्षा का सिद्धांत। शिक्षण तभी सफल माना जाता है साथियों जब वह विद्यार्थी को सक्रिय रखते हुए किया जाता है, एक्टिव, और विद्यार्थी की रुचि, अभिरुचि, सीखने की क्षमता के अनुसार व्यवस्थित रहता है। अब देखिए साथियों प्रमुख शिक्षण सूत्र, टीचिंग फॉर्मूलाज। शिक्षण शास्त्र में हमें अनेक सूत्र प्राप्त होते हैं साथियों। इन सूत्रों का आविष्कार नहीं किया गया वरन इनको खोजा गया है। इस कार्य में कोमेनियस, रूसो, पेस्टोलॉजी आदि का बहुत योगदान रहा है। वे सूत्र उन शिक्षण मार्ग की सुगम उक्तियां बनाते हैं जिनसे शिक्षण और सीखना आगे बढ़ते हैं। इन शिक्षण सूत्रों का अनुसरण करने में शिक्षक अपने कार्य में सफलता प्राप्त करता है। अधिगम के क्षेत्र में शिक्षण की प्रभावशीलता और सफलता के लिए कुछ शिक्षण सूत्रों की चर्चा पर ध्यान दिया जाना चाहिए। तो ये साथियों शिक्षक के लिए क्या है, कोई भी कार्य किया जाता है तो उसमें आसानी रहती है। इन शिक्षण सूत्रों के द्वारा वह आसानी से विद्यार्थियों को समझा भी सकता है, उनके सामने पेश कर सकता है। शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए निम्न शिक्षण सूत्रों का पालन करना चाहिए। सबसे पहले ज्ञात से अज्ञात की ओर। यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है साथियों कि मस्तिष्क को जानी हुई बातें पसंद होती है और इस पसंद का सब बातों तक जिनका उनसे संबंध स्थापित किया जा सकता है स्वयं ही विस्तार हो जाता है। विद्यार्थी को पहले से साथियों किसी बात की जानकारी है थोड़ी बहुत, और उससे फिर उसको आगे की जो उससे जुड़ी हुई नई चीज है उसके बारे में बताया जाए तो वह आसानी से उसको ग्रहण कर पाता है। यानी बालक अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान को ग्रहण करता है। अतः अध्ययन के लिए आवश्यक है कि किसी पाठ को पढ़ाने से पहले वह इस बात का पता लगा लें कि बालक को उस विषय का कितना ज्ञान है। शिक्षक को प्रत्येक प्रकार से पाठ में शिक्षण सूत्र का प्रयोग करना चाहिए। तो पहला ज्ञात से अज्ञात की ओर, दूसरा है सरल से जटिल, सरल से जटिल की ओर। इस सूत्र का अर्थ है साथियों कि बालकों का पहले विषय की सरल बातें बताई जाएं, उसके बाद ही जटिल बातों का ज्ञान कराया जाना चाहिए। हर्बर्ट स्पेंसर ने देखिए क्या लिखा है, बाकी ये बातें आसानी से आपके समझ में आ जाएंगी साथियों, बस इन पॉइंटों को ध्यान रखें थोड़ा। अर्बर्ट स्पेंसर ने कहा साथियों, यदि ज्ञान प्रदान करने में इस क्रम का अनुसरण नहीं किया गया तो बालक शब्दों के अतिरिक्त और कुछ नहीं सीख पाएगा।
और शीघ्र ही उसे विषय से करना वह अरुचि हो जाएगी। परंतु इस संबंध में यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि सरल बालक के दृष्टिकोण से हो न कि शिक्षक के। विषय वस्तु इस प्रकार से बनाएं, इस प्रकार से सरल बनाएं कि वह सिर्फ बालक के लिए हो ना कि शिक्षक के लिए, क्योंकि जो बात बालक के दृष्टिकोण से कठिन है हो सकता है कि शिक्षक के दृष्टिकोण से क्या हो, सरल हो। तो ये सरल से जटिल की ओर, अब विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो ये साधारण सी बातें हैं साथियों, आप देखिएगा एक बार। फिर है पूर्ण से अंश की ओर। पूर्ण पूर्ण यानी कोई वस्तु, जैसे ये पूर्ण है, ये पंखा है, ये क्या है, पंखा, और इसी के जैसे अलग अलग पार्ट हैं, तार है, उसकी मोटर है, उसकी ताड़ियां हैं, तो ये क्या हो गया, अंश, यानी बड़े रूप से छोटे छोटे रूपों को उसके जानना। प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर। प्रत्यक्ष से प्रमाण, बालक के सामने उपस्थित प्रत्येक साधनों या वस्तुओं के बारे में उसे बतलाकर तदुपरांत अप्रत्यक्ष साधनों के माध्यम से ज्ञान प्रदान करना चाहिए। इसका मूल कारण यह है कि साथियों, प्रत्येक साधनों के द्वारा बालक शीघ्र ही विषय को समझ लेता है। अब किसी के सामने गाड़ी रख दी जाए और उसको बताया जाए ये हवाई जहाज है, और इधर ट्रेन का चित्र रख दिया जाए और उसको कहा जाए ट्रेन है ये, तो वह जब ट्रेन उसके सामने आएगी तो वह आसानी से बता देगा कि ये क्या है, ट्रेन है। तो इस प्रकार से वह प्रत्यक्ष जो उसके सामने है उससे आसानी से सीख पाएगा। प्रत्यक्ष ज्ञान के माध्यम से साथियों बालक पूर्व में अपना विश्वास बना लेता है। स्थूल से सूक्ष्म की ओर, बड़े से छोटे की ओर। तो ये भी सरल सा ही है, पहले उसको मोटे तौर पर बताना चाहिए साथियों, मोटे मोटे जो मुख्य मुख्य बातें, फिर उसको डीपली। तो ये सूक्ष्म की ओर। सातवां है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। शिक्षण कार्य के दौरान विश्लेषण एवं संश्लेषण दोनों की ही आवश्यकता होती है। विश्लेषण से संश्लेषण की क्रिया में वस्तु का पहले अध्ययन किया जाता है, इसके उपरांत प्रत्येक तत्व व अवयव के अध्ययन पर बल दिया जाता है। विश्लेषण का तात्पर्य तत्वों को संयोजित करके पुनः उनका विभाजन करना, तत्वों को संयोजित करके, जैसे ये बंटे हुए हैं और इनको क्या है, एक जगह करके और फिर इनको पुनः बांटना। उसी प्रकार संश्लेषण से आशय है अवयवों का परस्पर संबंध कायम करना। आठवां है अनिश्चित से निश्चित की ओर। जिसके बारे में आप जानते नहीं हैं वो बता करके निश्चित की ओर उसको ले जाना। प्रारंभिक अवस्था के दौरान बालक का ज्ञान अनिश्चित और अस्पष्ट होता है, यानी उसके बारे में उसको नहीं पता होता है। इसी शिक्षण सूत्र के आधार पर शिक्षक उनके ज्ञान को धीरे धीरे पुष्पित और पल्लवित करता है। इस प्रकार के ज्ञान के द्वारा छात्र कालांतर में प्रौढ़ हो जाते हैं। कालांतर यानी समय के साथ साथ, जो जो समय व्यतीत होता है। अनुभव से तर्क की ओर। बालक देखकर और अनुभव करके ज्ञान प्राप्त करता है। देखने से जो अनुभव और उसके मस्तिष्क में संचित होते हैं वह तर्क शक्ति को बढ़ाने में बालक की मदद करता है। जैसे हरी घास पर क्षण भर नमक पाठ पढ़ाने के दौरान बालक को हरी घास का प्रत्यक्ष अनुभव होना चाहिए, तदुपरांत वह हरी घास के गुणों को जानने का प्रयास कर सकेगा। अब बताए जा रहे हैं उसको, चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, कभी उसने बेचारे ने देखी ही नहीं हरी घास कैसी होती है। अगर वही हरी घास उसके सामने रखी जाए या किसी बाग बगीचे को दिखाया जाए और फिर उसके गुणों को अच्छे से उसके सामने बताया जाए तो वह अच्छे से समझेगा, यानी अनुभव से फिर तर्क की ओर। दसवां है मनोवैज्ञानिकता से तार्किकता की ओर। इस सूत्र के अनुसार साथियों बालक की शिक्षा को उनकी रुचियों रुझानों आदि के अनुसार प्रारंभ करना चाहिए। जैसे जैसे उसका ज्ञान बढ़ता जाए वैसे वैसे उसे तार्किकता बनाना चाहिए। आज शायद बड़ा हो गया साथियों चैप्टर ये अपना, अभी तो देखे बहुत देर रखा है इसमें, ये मैटर और है इसमें। ये अगला जो है पॉइंट है, तर्क पूर्ण है कर्म का त्याग कर मनोवैज्ञानिक कर्म का अनुसरण करने की ओर। किसी वस्तु को, विषय वस्तु को तर्क के आधार पर समझाने की अपेक्षा उनके मनोवैज्ञानिक विशेषताओं, रुचियों, जिज्ञासाओं और ग्रहण करने की शक्तियों में ध्यान में रखकर शिक्षण कराना इस उत्तर का आधार है।
और 12वां पॉइंट है इंद्रियों के प्रशिक्षण द्वारा शिक्षित करने की ओर। बालकों की प्रवृत्ति स्थूल वस्तुओं की ओर अधिक रहती है। बड़ी बालक अपनी इंद्रियों का अधिकाधिक प्रयोग करना चाहता है। खेल द्वारा उनकी ज्ञानेन्द्रियों का प्रशिक्षण उसे उपलब्धि प्रदान करता है। अतः आँख, कान, अंगुलियों आदि से प्रयोग करके जो ज्ञान उसे प्राप्त होता है उसे वह जल्दी हृदयंगम कर लेता है, यानी जल्दी से उसको दिमाग में फेड कर लेता है। आगमन से निगमन की ओर, छात्रों को पहले उदाहरण बताकर इसके बाद उसे नियम निश्चित करवाने चाहिए। तो ये क्या है? आगमन से निगमन। अतः छात्रों को आगमन से निगमन की ओर ले जाना चाहिए, उदाहरण से नियम, क्योंकि आगमन नवीन ज्ञान की खोज करना है और निगमन इन खोजों को फल या निष्कर्ष से होता है। आगमन के द्वारा तो क्या है, खोज करते हैं, पता करते हैं कि क्या है ये वास्तव में, और निगमन के द्वारा इसका रिजल्ट निकलता है कि ये वास्तव में क्या है। भाषाई कौशलों का विकास, यह आपको एक बार पहले भी बताया था, LSRAW। L का मतलब लिसनिंग, S का मतलब स्पीकिंग, R का मतलब रीडिंग और W का मतलब राइटिंग। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, सुबो पली। कैसे? सु से सुनना, बो से बोलना, पे से पढ़ना और ली से लिखना। तो ये क्रम से आप ध्यान में रखें इसको। ये आपके स्किल हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, कौशल, चार कौशल हैं। और बालक जन्म के बाद सबसे पहले क्या करता है, भाषा को सुनता है, यानी लिसनिंग। तत्पश्चात वह धीरे धीरे बोलने भी लगता है। बालक को जब विद्यालय भेजा जाता है तब बालक में धीरे धीरे भाषा में पढ़ने का कौशल विकसित होता है और पढ़ने के बाद ही भाषा को लिखना भी सीख जाता है। तो इस प्रकार से साथियों, लिसनिंग और स्पीकिंग, रीडिंग और ये लास्ट में आपका राइटिंग, इस प्रकार से आपको क्रम से इसको ध्यान में रखना है, लैंग्वेज स्किल। तो ये साथियों आज का टॉपिक थोड़े थोड़े बड़े तो हैं साथियों, इसमें कुछ नहीं किया जा सकता, अभी बहुत सारा मैटर पाँचवीं यूनिट में बाकी है। लगातार देखते रहें, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे साथियों, जैसे आज के वीडियो में बढ़ाई है। अगर मैं जैसे इसी को मैं 2 मिनट में भी पढ़ा सकता हूं और इसी पर मैं आधे घंटा का वीडियो भी बना सकता हूं साथियों। तो ये है, जितना हो सके फास्ट चलने का प्रयास कीजिए। जो शब्द दे रखे हैं थोड़ा सा आप भी प्रयास कीजिए कि उनको आप अपने अनुसार समझें। वीडियो पसंद आए तो साथियों लाइक कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो, नए टॉपिक और नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए